स्टूडेंट्स, कुछ और नए न्यूमेरिकल्स हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। कुछ मैंने लास्ट उसमें एक क्वेश्चन करवाया था सर, और थोड़ा चेंज कर देते हैं। वायरिंग रूम पाँच कंडेंसर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं। आप मेथड को समझ लेंगे। ये हमारे पास पांच कंडेंसर्स हैं, ठीक है। इसको हमने किस तरह कनेक्ट कर दिया बच्चों, यहां से वायर लेके हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, यहां से वायर लिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इसको अब यहां से कनेक्ट किया। तो मैंने बोला बच्चों ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, राइट। क्या करना है हमें, ए और बी के बीच का, पहले भी बताया लास्ट लेक्चर में, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। बेटा इसको हम V मान ले, बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे हम, इसका अगर वोल्टेज V मान लू बच्चों तो इसका पोटेंशियल जीरो मान लू, राइट ना, क्योंकि इनके बीच का टोटल क्या हो गया, V हो गया। चलो अब ये V यहां से कहां जाता है, इस प्लेट का V हो गया। अब ये V कहां पहुंचता है देखो आप लोग, बेटा इस प्लेट का भी V हो गया, इस प्लेट का भी V हो गया, और देखो कुछ होता है नहीं। अब इस प्लेट का V है, इस प्लेट का भी नोन हो गया V है, इसका V है। अब इस प्लेट का नहीं पता बच्चों हमें, तो क्यों ना मैं इसको V1 अज्यूम कर लूं। तो ये V1 है, तो इस प्लेट का बच्चों V1 हो गया। अब ये V1 बेटा कहां गया, यहां से ये V1 यहां पहुंच गया और ये V1 यहां पहुंच गया, राइट ना। अब ये V1 यहां पहुंच गया और इसका भी V1 हो गया और इसका हमें पता ही है जीरो है। तो अब आप देखेंगे जो सेम पोटेंशियल पे आ गया जो कैपेसिटर, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखो ये जो कैपेसिटर है, इसका इस प्लेट का भी पोटेंशियल V1 है, इसका भी V1 है, तो हम इसको सर्किट से रिमूव कर दें यहां से। अब देखो कैपेसिटर कितने बच गए हमारे पास, 1, 2, 3 और 4। अब ये देखिए किन कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल V-V1 है, देखेंगे आप। ये कैपेसिटर V-V1, ये भी बच्चों V-V1, ये भी V-V1, तीनों का देखो V, देखो इस प्लेट का V, इस प्लेट का बच्चों V और इस प्लेट का V कॉमन है, तो क्यों ना दिस पॉइंट इज A और इस पोटेंशियल को V मान लिए। तीन कैपेसिटर V, V और दिस वन इज आल्सो V, बच्चों ये V हो गया। सेकंड देखो V1, इसका V1, इसका V1 और इसका V1 कॉमन है, तीनों पैरेलल हो गया अपना। यहां से आगे चलो आप लोग, ये रिमूव हो गए, सेम पोटेंशियल पे है, आगे चलेंगे। अब ये V1 कहां से, ये लो बच्चों ये V1, ये हो गया V1 और ये हो गया हमारा जीरो, ये पॉइंट B हो गया। अब आप बताइए तीनों पैरेलल में क्या होता है बच्चों, हमें A और B का बीच का फाइंड आउट करना है। तो 3C हो गया बच्चों, और 3C के साथ क्या हो गया, ये 3C हो गया, ये C हो गया बच्चों, दोनों सीरीज में है। इफेक्टिव क्या होता है आप बताएंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना आ गया 3C/4, क्लियर ना, कंफर्म। और देखेंगे आप एक ऐसा क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, बोर्ड पे देखेंगे सिर्फ, मतलब ये इनका मेथड, आप पोटेंशियल लिखिए और आप फाइंड आउट कीजिए किन किन कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम है, उनको उस तरह कनेक्ट करते जाइए। और देखेंगे आप इस पे क्वेश्चन, देखो बच्चों और एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, 5, 6, 7 ले लेते, जितने आप कहेंगे आपको कनेक्ट करना होना चाहिए, पोटेंशियल को बताना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया हमने, अब एक और बढ़ा देते हैं 6 कर लिया, राइट बच्चों। अब इनको कनेक्ट कैसे किया देखो, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों, राइट, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया, राइट, इन दो को कनेक्ट कर लिया ऐसे। अब मैंने बोला आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल बताओ बच्चों, मेथड सीखो क्वेश्चन करने का। अब वही बैटरी जोड़ ले हम यहां पे, टोटल बी है वोल्टेज, तो इसका बच्चों बी हो गया, इसका हम जीरो अज्यूम कर ले। चलो अब आप देखो ये बी कहां पे पहुंचता है, इस प्लेट का बी हो गया, चलो अब ये बी, इसका भी बी हो गया, इसका भी बी हो गया, इसको बी वन अज्यूम कर लू मैं, तो ये भी बी वन हो गया। अब ये बी वन यहां से देखो कहां पहुंच रहा है, इस पॉइंट पे, ये भी बी वन, ये भी बी वन, आगे चलो। अब ये बी वन यहां से देखो कहां पहुंचा, ये पहुंच गया यहां पे, ये भी बच्चों V1 हो गया, तो ये भी V1 और ये जीरो है ही हमारे पास, ये V1 यहां आ गया, इसको बच्चों V2 मान लूं, तो ये भी क्या हो गया, V2 हो गया, राइट ना। अब आप देखो
उन कैपेसिटर जिनका पोटेंशियल वी माइनस वी वन है, कितने कैपेसिटर देखो, एक दो और तीन, तीनों का देखो वी वन सेम ए से है कि नहीं है, इसका वी वन और इसका वी वन हो गया कनेक्ट है कॉमन से, वी देखो वी वी और ये वी ए से है तो हम ये ए पॉइंट बना दे, इसको बी से कनेक्ट कर दे, राइट right? अभी कितने कैपेसिटर यहां पे, तीन, दिस वन एंड दिस वन, समझे आप लोग, एक इससे कनेक्ट है वी पोटेंशियल से, तो ए ये बच्चों वी हो गया, इसका वी और इसका वी, सेकंड प्लेट का पोटेंशियल क्या है, सभी का कॉमन है वी वन वी वन वी वन, तो ये पोटेंशियल क्या हो गया वी वन, आगे चलिए आप कहां तक, यहां तक सिस्टम आ गया, अब वी वन से, अब देखो ये वी वन और ये वी वन कॉमन है, वी टू से कॉमन है, तो क्यों ना मैं यहां पे क्या करूं, मैं दो कैपेसिटर कनेक्ट करूं, ये V1 दूसरा V2, ये V1 ये भी V1 है और ये बच्चों V2, राइट V2 से कनेक्ट है, ये लीजिए, बट ये पॉइंट B नहीं आया, अब देखो अब V1 से V1 आगे चला, ए यहां से V1 पॉइंट निकाला हमने, देखो ये V1, अब एक कैपेसिटर और है देखो V1 से, ये V1 हो गया और ये हो गया जीरो और ये पॉइंट क्या हो गया बी हो गया, क्लियर ना, अब हमें तो ए और बी के बीच में निकालना है बच्चों कैपेसिटर ना, ए ये हमारी बैटरी थी, अब हमारा ये फेज तो सर्किट से कट हो गया, ये वाला तो यूज ही नहीं है हमारे सर्किट में, तो हम इसको कट कर दें यहां से, तो कितना बचा, ये तो सर्किट से रिमूव कर दिया क्योंकि इसका तो यूज ही नहीं, आउट ऑफ सर्किट है ये, तो क्लोज सर्किट तो हमारा ये है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है, थ्री सी हो गया, सी उसके साथ सीरीज में हो गया, आंसर क्या आएगा बच्चों 3c into c upon 4c 3 by 4c, क्वेश्चन क्लियर सभी को, क्लियर ना 3 by, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा, और एक क्वेश्चन करते हैं, आप तरीका सीख लो बच्चों, पोटेंशियल दीजिए, ये फाइंड आउट करें कितने पोटेंशियल्स के बीच में कितने कैपेसिटर है, हो गया ये क्वेश्चन हमारा, और हमने तीन प्लेट का चार प्लेट का पांच का छह प्लेट का करके दिखाते हैं, देखो आप बोर्ड पे देखेंगे बट ध्यान से, और न्यूमेरिकल्स देखो आप, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे, अब हमने क्या किया बच्चों, चार प्लेट का लिया था, अब हम पांच या छह प्लेट का क्वेश्चन करते हैं, देखो मैंने कहा वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये हमारे पास छह प्लेट कंसीडर किए बच्चों, सभी प्लेट का एरिया है वो ए है और डिस्टेंस डी है, बट हमने एक इस बार ऐसा प्लेट मान लिया जिसकी जो कैपेसिटी है ना वो हमने चेंज कर दी, मान लो कौन सी ये प्लेट की डिस्टेंस डी, ये भी डी, ये भी डी, इस डिस्टेंस को मैंने टू डी कंसीडर किया बच्चों, ध्यान से देखेंगे, और ये सभी प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस डी है, राइट, ये भी बच्चों डी है, ये भी डी है, राइट ना, अब हमें कैपेसिटेंस किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच का फाइंड आउट करना है, कोई भी दो प्लेट है जिनके बीच का आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, अब हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया इस प्लेट का इस पॉइंट को, ये प्लेट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक तो प्लेट नंबर टू इस पॉइंट को ए अज्यूम कर लूं, और एक लास्ट जो प्लेट है हमारे पास कौन सी है, देखो लास्ट प्लेट हमारी ए, ये इस पॉइंट को, इस प्लेट को हमने बी नाम दिया, प्लेट नंबर सिक्स, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है, बट हमने अब कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया बच्चों, कैसे किस किस को कनेक्ट किया देखो आप लोग, फर्स्ट को इस फर्स्ट प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं हम, फोर्थ से कर दें, फिफ्थ से कर दें, और एक हम इस बोर्ड इसको कनेक्ट करते हैं, देखो मान लो मैं इन दो प्लेट्स को कनेक्ट कर दूं, किस किस को, फर्स्ट और फोर्थ को कनेक्ट कर दूं, और यहां से मैं बोल दूं आपको थर्ड और फिफ्थ को कनेक्ट कर दिया मैंने, राइट ना, मैंने किसको कनेक्ट किया एक बार, किस किस को कनेक्ट किया बच्चों, हमने क्या किया, ये छह प्लेट थी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सभी के बीच का डिस्टेंस डी है, राइट, इसका बीच का डिस्टेंस टू डी है, और मैंने आपको बोल दिया जो कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे दूंगा, इसका कैपेसिटेंस सपोज करो 10 है, 11 है, 7 है, कोई भी कैपेसिटेंस है, बट ये दो प्लेट्स है ना 4 और 5, इसके बीच का डिस्टेंस हमने 2D दे दिया, और हमने किस किस को कनेक्ट किया, प्लेट नंबर 3 को और प्लेट नंबर 5 को कनेक्ट किया, और यहां से प्लेट नंबर 1
और प्लेट नंबर 4 या 5 को कनेक्ट कर दो किसी को, ये कनेक्ट कर दिया, राइट ना। अब आप देखेंगे कैपेसिटर कितने बनते हैं, किसकी कैपेसिटी क्या है, ये हम फाइंड आउट करेंगे कैसे कनेक्शन है उनके, सीरीज कौन सा है, पैरेलल किन का है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया ना, 6 प्लेट 1 और 5 को कनेक्ट कर दिया, थर्ड और हमने कर दिया 6 को कनेक्ट, राइट, थर्ड और 6 को कनेक्ट किया, 1 और 5 को कनेक्ट किया, और ए और बी के बीच का आपको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखेंगे कितने कैपेसिटर बनते हैं, करें बच्चों वही मेथड वही अप्लाई करने है। इसका पोटेंशियल वी मान लूं और इसको 0 अज्यूम कर लेता हूं, ये लो। तो आप देखो इस प्लेट का पोटेंशियल वी हो गया, आगे चलो इसका बेटा 0 हो गया। अब और देखो इसका मैंने बच्चों अज्यूम किया वी1 पोटेंशियल, तो ये तो वही एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, वायर से कनेक्ट है, तो अगर इसका वी1 है तो इस प्लेट का भी बेटा क्या हो गया, वी1 हो गया। और देखो कुछ ये 0 पे है तो ये इससे वायर से कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल भी बेटा 0 हो गया। और भी कोई प्लेट बची है क्या, ये कैपेसिटर बना क्या, देखो V V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, अलग अलग पोटेंशियल से कनेक्ट है, एक कैपेसिटर ये बन गया, आगे चलो 0 V दूसरा कैपेसिटर ये बन गया। आगे देखेंगे यहां इस प्लेट का पोटेंशियल हमें नहीं पता, अज्यूम कर ले इसको V2, तो एक कैपेसिटर ये बन गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस 0 है, ये V1, एक ये बन गया और एक ये बन गया, कैपेसिटर कितने बने, 5। तरीका क्या था, 6 प्लेट्स थी, हमें किस किस के बीच का कैपेसिटेंस निकालना है, सेकंड और सिक्स्थ, वायर से किसको कनेक्ट कर दिया बच्चों, फर्स्ट और फिफ्थ और थर्ड और सिक्स्थ। तो सबसे पहले हमें कैपेसिटर फाइंड आउट करना है कितने कैपेसिटर बने, एक को हमने 0, एक को वी, मतलब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की बच्चों आपने, एक का पोटेंशियल वी है दूसरे का 0, तो बैटरी का ईएमएफ वी हो गया। अब ये वी है, मैंने बोला आपको ये 0 है, तो इसका प्लेट का 0 है तो इस प्लेट का भी 0 हो गया, राइट ना। इसका V1 मैंने अज्यूम किया तो बेटा इस प्लेट का भी वायर से कनेक्ट है तो ये भी V1 हो गया। अब एक प्लेट का पोटेंशियल नहीं है इसका, इसको मैंने बेटा V2 मान लिया। अब आप देखेंगे सभी की कैपेसिटी लिखे देखेंगे और ये देखेंगे कितने पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कितने कैपेसिटर आ रहे हैं। देखो आप लोग V, फिर क्या माना आपने, V1, V2 भी है और 0 भी है। देखो V और V1 के बीच में देखो पोटेंशियल डिफरेंस, वो कैपेसिटर देखो जिनका पोटेंशियल डिफरेंस V-V1 है। देखो आप लोग V-V1, V-V1, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, जिनका V और V1 है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, बेटा D तो डिस्टेंस है यहाँ पे, तो V और V1 के बीच में कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया, दिस वन, क्लियर। चलो आगे चलो, V1 और V2 का देखो, ये V1 ये V2, अब देखो इसकी कैपेसिटी, V1 और V2, बेटा कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट A, अब D तो 2D हो गया ना, तो और तो सभी की C है, तो इसकी कैपेसिटी C बाई 2 हो गई, क्योंकि डिस्टेंस डबल है ना इस कैपेसिटर में, कौन से की, सभी की कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी बेटा C बाई 2 होगी क्योंकि डिस्टेंस डबल है और उसे, तो C इनवर्स D होता है अपने पास। आगे चलो, अब V1 V2 का देखो, ये रहा ये V1 ये V2, एक कैपेसिटर हमने जोड़ दिया, ये लो V1, इसकी कैपेसिटी क्या लिखू, C नहीं लिख सकते हम, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस डबल है, तो ये बेटा C बाई 2 और ये C। आगे चलो, अब देखो V2 और 0 देखो कहीं, ये V2 रहा ये 0 रहा, तो V2 और 0 का ये कनेक्ट कर दिया बच्चों, ये V2 ये 0, इसकी भी कैपेसिटी बेटा कितनी है, ये लो C। 3 तो आ गए, 2 बच गए, अब देखो 2 कहां कहां पर कनेक्ट है, कौन कौन से बच गए, V1 आ गया, V1 V2 आ गया, कहां है V1 V2 बेटा, ये रहा ये भी हो गया, V2 0 देखो बेटा कहां है, V2 और 0, ये V2, ये भी क्लियर। अब एक तो ये बच गया V1 0, ये रहा V1 और ये रहा 0, यहां पे कैपेसिटर जोड़ दें, ये लो बच्चों, ये लोग है कैपेसिटर नंबर 4। आगे चलो दूसरा देखो, एक और बच गया, कौन सा बच गया, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो V और 0, ये रहा बेटा ये V रहा और ये 0 रहा, ये हमें इन पॉइंट्स के बीच में निकालना है, ये पॉइंट A रहा हमारा, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B, क्लियर ना, पक्का। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये दोनों सीरीज बच्चों, कितना आ गया सीरीज में, C बाई 2 इंटू C अपॉन 3C बाई 2, बेटा कैंसिल हो गया, C इन दोनों का सीरीज आ गया बच्चों C बाई 3, करें बच्चों क्या है बोलो, ये बेटा C, राइट ना। नेक्स्ट बोलो ये सीरीज का क्या आ गया, ये लो भाई C बाई 3,
आगे चलो, इसके साथ क्या है, सी वाई थ्री के साथ ये पैरेलल है, ये येलो बच्चों, राइट। अब एक कैपेसिटर हो रहे, देखो ए ये, अब देखो क्वेश्चन और आसान हो गया, ये दोनों बेटा पैरेलल में है तो कितना आएगा पैरेलल आप बताओ, सी और सी का पैरेलल सी प्लस सी बाई थ्री, फोर सी बाई थ्री, तो इन दोनों की जगह मैं एक लिख दूं बच्चों, फोर सी बाई थ्री, ये हटा दिया हमने और इन दोनों का पैरेलल लिख दिया बच्चों क्या, फोर सी बाई थ्री। अब ये दोनों सीरीज में है, बोलो इन दोनों का सीरीज क्या आएगा, बोलो सी इंटू फोर सी बाई थ्री अपॉन सेवन सी बाई थ्री, थ्री सी थ्री कैंसिल हो गया, फोर सी बाई सेवन, इन दोनों का आ गया, कर दूं क्या आ गया दोनों का, बोलो फोर सी कितना आ गया, फोर सी बाई सेवन, ये लो बच्चों अब तो हो गया सिंप्लीफाई पूरा, ये आ गया बच्चों फोर सी बाई सेवन, दोनों पैरेलल बेटा कितना आएगा दोनों का पैरेलल, फोर सी बाई सेवन प्लस सी कितना आ गया बोलो, इलेवन सी बाई सेवन, क्लियर ना। अब बेटा सी उस क्वेश्चन ने गिवन है, उस क्वेश्चन का मान लो सी की वैल्यू सेवन है हमारे पास, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू मैं बोल दू सेवन माइक्रोफेराड है, तो क्या आ गया इलेवन बाई सेवन इंटू सेवन कितना आ गया बच्चों, इलेवन माइक्रोफेराड, क्लियर ना बच्चों। कितनी भी प्लेट का क्वेश्चन आता है आप तरीका सीख लो, सिर्फ तरीका, एक का वी एक का जीरो, जो वायर से कनेक्ट है उनको सेम पोटेंशियल लिख देंगे, वो जो बच गया उसको आप मान लीजिए वी टू है तो वी टू, वी थ्री है तो वी थ्री, फिर आइडेंटिफाई करें कि कैपेसिटर कितने बनते हैं, क्लियर ना। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर मैं आपको ये बोल दूं, कई बार बोलते हैं कि अगर हम अल्टरनेट प्लेट्स को कनेक्ट करें तो जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेसिटर्स बनेंगे या कैपेसिटी निकालेंगे वो एन माइनस वन इंटू लेमडा एन माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, जब हमारे पास सपोज कीजिए कि एन प्लेट्स हैं और उनकी अल्टरनेट प्लेट को अगर कनेक्ट करें तो हम कैपेसिटी बोलते हैं एन माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैसे वो, जैसे हमने बच्चों ये चार प्लेट कंसिडर किया, आप देखेंगे इस तरह से, मैंने अभी क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस किया था, तो मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ कैपेसिटर अल्टरनेट जोड़ दिया, देखो वन दिस वन इज टू दिस वन इज थ्री दिस वन इज फोर, मैंने अल्टरनेट कनेक्ट किया, देखो फर्स्ट को थ्री से, टू को थ्री से नहीं फोर से, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर तीन बनेंगे, देखो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, प्लेट चार है कैपेसिटर तीन बनेंगे, तो एन माइनस वन कैपेसिटर बनेगी नहीं, कब, जब अल्टरनेट प्लेट को कनेक्ट करें तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर एन माइनस वन और कैपेसिटी इज एन माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो आप लोग बेटा यहां पे बैटरी कनेक्ट करूं मैं तो क्या आ गया, ये वी हो गया, ये जीरो हो गया, तो बेटा इसका पोटेंशियल वी, इसका भी वी, इसका जीरो तो इसका भी जीरो। अब आप देखो वी वन तो है ही नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक वी एक जीरो पोटेंशियल, वी पे देखो तीनों एक दो, क्लियर, देखो कितने है? ये भी वी, ये भी वी, ये जीरो और ये भी जीरो, कैपेसिटर देखो कितने बने, एक तो ये कैपेसिटर बन गया वी जीरो, एक ये कैपेसिटर बन गया वी जीरो और एक ये बन गया वी जीरो, तीनों का देखो इसके लिए ये प्लेट कॉमन होगी, इस कैपेसिटर उस कैपेसिटर के लिए, तो देखो तीन कैपेसिटर किसमें हो गया आप बताओ, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल, तो कैपेसिटी कितनी आएगी, थ्री सी आएगी नहीं आएगी। कंक्लूजन ये न्यूमेरिकल बताना नहीं था, कंक्लूजन ये था कि अगर हमारे पास एन प्लेट्स हो और उनको हम अल्टरनेटिवली कनेक्ट करें तो जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे या जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, एन माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर बच्चों, एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, जब भी सीरीज पैरेलल हो, अगर डिस्टेंस का डिवीजन है तो आप कैपेसिटर को अज्यूम करें सीरीज में कनेक्शन करना है, अगर वो एरिया का डिवीजन है तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। देखो आपको कई बार दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, आप कर भी नहीं हो सकता आप लोगों ने, बेटा एक कैपेसिटर है ये, राइट, अगर मैं इसमें दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं, एक तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक यहां पर बेटा ये वाली स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, राइट, ये डिस्टेंस
डी बाई टू, ये डी बाई टू, और दो प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस कितना है अपना, दिस इज डी। तो मैं बोलूंगा बेटा क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करो। जब भी बच्चों डिस्टेंस का डिवीजन हो तो आपको सीरीज का यूज करना है, जब भी एरिया का डिवीजन हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है। कैसे, आप देखो इधर देखेंगे आप ध्यान से, और एक और डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ। देखो एक मैंने ऐसे डायग्राम बना लिया, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इधर डाल दिया के वन, एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इधर डाल दिया राइट के टू, के वन और ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस निकाला। तो अब देखो दो कैपेसिटर हो गए, यहां पर वी पोटेंशियल, ये प्लस ये माइनस, तो ये कैपेसिटर नंबर वन, ये कैपेसिटर नंबर दो। बच्चों दोनों का पॉजिटिव प्लेट, इसका और इसका पॉजिटिव टर्मिनल से सेम पोटेंशियल पे है, इसका ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट सेम पोटेंशियल पे है। जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो कैपेसिटर्स किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल में होते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। तो अगर एरिया का डिवीजन तो इस प्लेट का a बाई टू, इस प्लेट का a बाई टू, बेटा ऐसे कर दिया जैसे ये है, यहां से a बाई टू नीचे, ये a बाई टू, ये a बाई टू। तो नेट कैपेसिटी मीडियम में क्या होती है कि एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, बेटा डिस्टेंस तो दोनों के केस में d है, तो c क्या आएगा बच्चों, c1 प्लस c2, k1 प्लस k2, इनटू क्या आएगा कॉमन, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं आप इजीली। दूसरा अगर डिस्टेंस का डिवीजन हो, अब देखो डिस्टेंस का डिवीजन मैंने किस तरह बना दिया, इस तरह फिल कर दिया, तो आप देखेंगे एरिया तो सेम है, एक कैपेसिटर ये अज्यूम किया, एक ये अज्यूम किया, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों वी की वैल्यू ई इंटू डी, ई तो अलग अलग होगा दोनों का। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे हम, इसको दो कैपेसिटर अज्यूम करें ऐसे, देखो दिस वन ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस, अब ये कैपेसिटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन, इसका के टू, डिस्टेंस बोलो बेटा ये क्या हो गया ई बाई टू, ये भी बोलो तो क्या आएगी नेट कैपेसिटी, सी वन बोलो के वन एप्सिलॉन नॉट ए, ए क्या है ए, डी क्या है डी बाई टू राइट, दिस कैपेसिटर इसमें क्या होगा बेटा C2 K2 epsilon नोट A, D क्या है D by 2। नेट कैपेसिटी बच्चों कैसे निकालेंगे, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। अगर बच्चों एरिया का डिवीजन है तो आप दोनों कंडेंसर को पैरेलल में अज्यूम करके चलेंगे, रिजल्ट करेंगे C1 plus C2 यूज। अगर डायलेक्ट्रिक को इस तरह इंसर्ट किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि डिस्टेंस का डिवीजन है, बाइफर्केशन डिस्टेंस का है, तो आप यूज करेंगे उस कॉम्बिनेशन को, अज्यूम करेंगे एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो रिजल्ट होगा वो 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। और एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें दोनों कनेक्शन है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो अगर मैं आपको बोल दूं, देखो बच्चों मैंने दोनों मीडियम इंसर्ट कर दिए, सपोज करो ऐसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अब हमने देखो इधर तो हमने डाल दिया K1 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इधर K2, और इस पूरे में डाल दिया K3। तो देखो इसका एरिया A by 2 पर वाले का, इसका एरिया A by 2, ये डिस्टेंस बेटा टोटल D, तो ये D by 2, ये D by 2, ठीक है, इसका तो एरिया A ही रहेगा। तो देखो इन दोनों में देखो आप लोग, ये दोनों पैरेलल में हो गए, एरिया का डिवीजन डिस्टेंस तो सेम है, तो इन दोनों का सीरीज निकालेंगे और इनका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ क्या होगा बच्चों, आप बताएंगे सीरीज या पैरेलल। एरिया का डिवीजन ये, सॉरी एरिया का ये डिवीजन है, तो ये पैरेलल, ये कौन कौन सा पैरेलल, दिस और दिस, कितना आ जाएगा पैरेलल में, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू डी बाई टू के वन प्लस के टू, अब इसका सी थ्री कितना आएगा बोलो, बोलो बोलो के एप्सिलॉन नॉट A by D, D कितना है बेटा, D, D की वैल्यू क्या है D by 2। अब इन दोनों को क्या निकाल लेंगे बच्चों, सीरीज, क्योंकि इन दोनों में क्या है डिस्टेंस का डिवीजन है, और इनको क्या यूज करेंगे दोनों को, राइट ना, थैंक्स।